नमस्कार, टीवी इंडिया 18 में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम टीवी इंडिया 18 पे दिखाते हैं आपको हर क्षेत्र, हर राज्य की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हमारे टीवी इंडिया 18 की खबरों को इसी तरह लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों से। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की गला दबाकर हत्या से सनसनी। बिहार का रहने वाला था युवक। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की गला दबाकर हत्या से सनसनी है। बिहार का रहने वाला था युवक, जिसमें बांदा में आज सुबह एक बड़ी वारदात सामने आई है। जहां आपको बताते चले कि प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की पड़ोसी ने ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना कर लोगों से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि युवक का अपने पड़ोस की लड़की से प्रेम संबंध था और आशंका जताई जा रही है कि वह रात में उससे मिलने गया हुआ था, जहां पर उसकी प्रेमिका के परिजनों द्वारा गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि प्रेमिका के परिजनों ने घर में चोर घुसने की सूचना पुलिस को दी थी। मटक बिहार के बेगूसराय जिले का रहने वाला था। यहाँ पर फेरी लगाकर सामान बेचने का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर नगर मोहल्ले में सामने आया है, जहां पर सुबह इस मोहल्ले के रहने वाले राम सनेही वर्मा उर्फ बंटा के घर की छत पर एक युवक का शव बरामद हुआ। हालांकि जानकारी अभी मिली है कि राम शर्मा ने अपने घर में चोर घुस आने की जानकारी पुलिस को दी थी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की शिनाख्त की तो पता चला कि युवक का नाम कार्तिक सोनी था, जो बिहार के बेगूसराय जिले के डंडारी थाना क्षेत्र के टिकरी गांव का रहने वाला था और 3 दिन पहले अपने जीजा के साथ बांदा आया हुआ था। यहां पर फेरी लगाकर सामान बेचने का काम करता था। इसके पहले भी वह लॉकडाउन के पहले बांदा में रहता था। इसके बाद जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अभिनंदन पुलिस बल के साथ पहुंचे और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और मामले को लेकर पूछताछ की। इसमें पता चला कि कार्तिक सोनी का राम सनेही की बेटी से प्रेम प्रसंग था और आशंका जताई जा रही है कि उसके घर पर मिलने गया था। इसी बीच परिजनों को जानकारी होने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि यह सारा मामला प्रेम प्रसंग के ही कारण हुआ है। अब पुलिस जांच कर रही है। जांच पड़ताल में जो भी साक्ष्य सामने आएगा वो आगे बताया जाएगा। गुल मोहम्मद की रिपोर्ट, बांदा। मामला आई है, वही लड़की का चक्कर मामला था। रात में हमको भी मारपीट किया था उसका दीदी आदि। तो आपको पता था कि जो है हमारा साला जो है ये हरकत करता है, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, तो वो लोग उसी का बात में नहीं, तुमको पता था, मना भी किए, ये बात हम रोक भी दिए थे। मत जाओ, उधर मत जाओ। उन लोग के चक्कर हम फिर सुमर में रहते थे, उन लोग के चक्कर में उसको चक्कर पैसा 1 रुपये लड़की जो रुपये कमाता था ना, 1 रुपये घर नहीं बेचता था। वही लोग के चक्कर में आपका जो मृतक का जो भाई साला है, नाम क्या उसका? उसका कार्तिक। कार्तिक क्या काम करता था? पीतामरी पाउडर बेचता था। अच्छा, ये बांदा में? बांदा। आप लोग जो कहाँ रहने वाले हैं? हम लोग बिहार के रहने वाले। कब बांदा कब आए थे? हम लोग परसों छोटा रोज आए, पहले भी रहे थे, 5-6 महीना पहले भी रहते हैं। लॉकडाउन के बाद आप आए हैं आप लोग काम का कमाने के लिए? क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसी घटना हो गया? कल शाम को इसको मारा, हमको भी मारा, पत्नी ने इसको मारा है और रात में। बिडकर कॉलोनी है और हमें आज एक छत पे डेड बॉडी मिली है। जो घर का मालिक है उसने कहा था कि चोर उसने पकड़ लिया है और बाद में पता चला कि वो डेड बॉडी, जब हम लोग वहाँ मौके पे पुलिस पहुँची तो ये मृतक जो है ये बगल का ही रहने वाला है, बाहर मजदूरी करता है, मेहंदी की फेरी वगैरह लगाता है। और अभी तक जो प्रथम दृष्टया में चीज़ें सामने आई हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो ये है कि इसके संबंध थे मृतक की के संबंध से जो घर के मालिक की लड़की के साथ, और उसी क्रम में ये चीज़ें की गई हैं। बाकी हम लोग फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने मौके का मुआयना कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की है। क्या सर प्रेम प्रसंग के चलते हत्या हुई? बिल्कुल, अभी तो वही लग रहा है, बाकी आगे जो चीज़ें हैं उन इन्वेस्टिगेशन में आई हैं। सर कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? अभी पूछताछ के लिए घर के मालिक को बुला लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। थैंक यू।